हेलो फ्रेंड्स, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गेल के ऑप्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, साथ ही साथ गेल में क्या मूवमेंट आ सकता है वो बात करेंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें तभी पता चल पाएगा कि गेल में किस तरीके का मूवमेंट आ सकता है, और अगर ये मूवमेंट आ जाता है तो दोस्तों ये बम्पर लॉटरी साबित हो सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किस प्रकार से। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो अगर आप स्टेबल हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ घंटे का निशान ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन का कोई तो इशू है जिसके चलते लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है। अगर आपने घंटे का निशान नहीं दबाया तो प्लीज़ घंटे का निशान दबाइए, क्योंकि हमारे चैनल की एक्यूरेसी मोर देन 90% है, जो कि आप लोगों को भी पता है। और अगर आप नए हैं तो कृपया करके घंटे का निशान प्लस सब्सक्रिप्शन का निशान प्लीज़ और दबा के रखिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो हम डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑप्शंस और कैश के कॉल्स और कमोडिटी के कॉल्स देते हैं। अगर आप ट्रेडर है, अल्टीमेट ट्रेडर है, और अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पता है कि फ्री में एडवाइस मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। इवन उसके लिए लोग हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, और उसके साथ साथ एक्यूरेसी भी होगी नहीं पता, बट आपने अगर मुझे देखा है कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो आपने एक्यूरेसी देखी होगी। तो आपको वो चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, बट उसके लिए आपको सिर्फ काम करना होता है। चाहे आप कहीं पर भी करते हो तो आप हमारे साथ जुड़ कर उस अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि आपको पता है कि मैं दीपक अग्रानी एन आई एस एम इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफाइड, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9033618290। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग अकाउंट ओपनिंग, और इफ़ यू वांट माय पर्सनल सर्विस रिगार्डिंग योर हेल्प। ओके, सो अगर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब के पास घंटे का निशान जरूर दबा दें। अब चलिए हम चलते हैं कि भैया ये निफ्टी, ये जो गेल है, जैसे आपको सबको पता है कि गेल क्या कंपनी है, गेल में क्या होता है और गेल के फंडामेंटल्स क्या है। दोस्तों, गेल आपको पता है कि ये गैस और फ्यूल्स जो इंडस्ट्री में काम में आती है उनके लिए होती है, और ये बहुत ही दिग्गज कंपनी है जिसका मार्केट कैप ही 270,000 करोड़ के आसपास है। अच्छा, उसके अलावा सिर्फ इसके हम यही बात करेंगे भैया प्रॉफिट है क्या। प्रॉफिट ही इतना है दोस्तों, मतलब 2018 में इन्होंने 4,650 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया, उसके पहले 3,945 करोड़, उसके पहले तो इनका प्रॉफिट सिर्फ 1,800 करोड़ था, मतलब डबल देन। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमारा भविष्य सुधरेगा या नहीं सुधरेगा वो तो बात की बात है। अगर आप चाहें तो इसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो चाहिए, बट उससे पहले भी इनका प्रॉफिट इतना था जो कि आधा हो गया था, जो कि अब रिकवरी मोड में आकर वापस से सही हो गया दोस्तों, ठीक है। और अब इस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए, और उस कंपनी पर प्रमोटर का नहीं तो प्रमोटर को कंपनी पे अच्छा खासा भरोसा है, जो कि प्रमोटर की हिस्सेदारी है 53% की। और अब जो इसमें घट रहा है वो हम जानना चाहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। दोस्तों, ये देखेंगे इसमें ना शॉर्ट कवर हो रहे हैं दोस्तों, मतलब जो लोगों ने शॉर्ट बना के रखे थे वो या तो एक दिन में कवर हो चुके हैं या कवर होने की तैयारी हो रही। साथ ही साथ एक बेस क्रिएट किया है इसने वीकली चार्ट पर, जो कि आप यहां पर देख रहे हो, ये तो इंडिकेशन है कि भैया यहां पर जाने का, मतलब तीन, देखिए एक वीक यहां था, दूसरा वीक यहां था, तीसरा यहां था, और चौथा वीक भी यही कंसोलिडेशन कर रहा है। अब मैं सिंपल वे में कहूँ कि मुझे कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है तो मैं उसके लिए जाना जरूर चाहूँगा, बट उससे पहले मैं आपसे एक, मैं चलो हम 320 के कॉल ऑप्शन की बात करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सुपर वे में ट्रेंड दिख रहा है। अगर ट्रेंड देखिए और उससे ज़्यादा इंडिकेशन जो आपने वीक पे देखे कि भैया 14 दिन से ये स्टॉक यहीं पर घूम रहा है, यहीं से घूमता यहीं से नीचे आता। तो एक तो ये हो गया कि भैया ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि भैया मैं इस लेवल पर खरीदूँ और 2-4 दिन में फिर ऊपर आए तो बेचूं, फिर खरीदूं, फिर बेचूं, समझ रहे हो बात को। या फिर मेरे को अल्टीमेट 320 तक जाना है तो दोस्तों एक छोटा सा एक रेसिस्टेंस, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे 315 जैसे ही क्रॉस करे दोस्तों, मेरा टारगेट होगा 320, 330 और 345 रुपये बम्पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अभी तो हमारे पास ऑप्शन के लिए पूरा मंथ बाकी है। अगर 320 रुपये का कॉल ऑप्शन हमें क्या भाव में मिल रहा है, 320 रुपये का कॉल ऑप्शन हमें 6,675 के भाव में या 6.85 रुपये के भाव में मिल रहा है, जो कि इसका लॉट साइज क्या है, इसका लॉट साइज भी देखेगा तो आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इसका लॉट साइज क्या है। मुझे जहां तक ध्यान है इसका लॉट साइज है 26667, यानी आप समझिए कि भैया 3,000 का ही, बड़े बड़े में 3,000 का ही समझ लो, या फिर आप 2,500 का समझ लो, 2,500 का लॉट साइज समझ के
आप 6 रुपए से बाय भाव देख लो, मतलब आपको कम से कम 18,000 रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आता है। स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, टारगेट्स क्या होंगे वो भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो स्टॉप लॉस और टारगेट अगर इसी तरीके से चलता रहा दोस्तों, तो कम से कम ये बम्पर बनेगा अगर तो मुझे 8 रुपए से लेकर दोस्तों। अब मुझे कहाँ खरीदना है वो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर थोड़ा सा मूवमेंट में नीचे मिले तो मुझे ये 5 रुपए और 5 रुपए 30 पैसे के आसपास मिलेगा तो खरीदना चाहिए, और बल्कि 6 रुपए तक भी खरीदना चाहिए, बट थोड़ा सा नीचे खरीदना चाहिए। तो हम इसे 5 रुपए 50 पैसे से 6 रुपए का मूवमेंट कर लेते और 8 रुपए 10 रुपए इज द सेकंड टारगेट, और अगर ये ऊपर फटता गया दोस्तों तो हर 10 रुपए के ऊपर कम से कम ये हमें अच्छा खासा 3-4 रुपए का मूवमेंट देकर जाएगा दोस्तों। तो 350 रुपए अगर आना होगा तो हमारे पास 30 रुपए हैं, और 30 रुपए में ये स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट कर सकेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा वो हम जरा इसको इस नॉर्मल वे में समझे कि भैया 306 रुपए से आपको ये स्टॉक ने 313 रुपए ने 6 रुपए के मूवमेंट पे आपको ऑप्शन में कम से कम 3 रुपए का मूवमेंट आ गया दोस्तों। ये आप समझ लीजिए कि भैया अगर मुझे 320 रुपए या 330 रुपए भी मूवमेंट करना है तो हर 6 रुपए पे अगर मुझे 3 रुपए मूवमेंट मिलेगा तो मेरे पास में अभी भी यहाँ से कम 15 रुपए की गुंजाइश है। और अगर 15 रुपए पे 3 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि मुझे क्या भाव मिल सकता है, कम से कम मुझे 10 रुपए का मूवमेंट मिल सकता है आराम से, ठीक है। तो चलिए 10 रुपए तक के भाव आ सकते हैं, 10 रुपए से 12 रुपए के भाव आ सकता है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो अभी मैं थोड़ी देर बाद अपनी वेबसाइट deepakagrani.com पर पोस्ट कर दूंगा। आज हमें 2 चीज़ें पोस्ट करनी है, एक तो डीप आपको भारत डिफेंस का स्टॉप लॉस विद टारगेट, साथ ही साथ आपको गेल का ऑप्शन का स्टॉप लॉस टारगेट, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो में ज़रा भी अच्छा लगे, ज़रा भी कुछ ऐसा लगे कि भैया मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेहरबानी करके उसके साथ लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि भैया मेरे द्वारा किए जाने वाले कामों से लोगों को बेनिफिट हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय महाकाल।